हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में जहाँ आपको मिलता है हर एक प्रकार के टेक्निकल से जुड़ी वीडियोज। दोस्तों आज हम बात करने वाले YouTube के थंबनेल। अगर आपका वीडियो का थंबनेल बहुत अच्छा रहेगा तभी आपका वीडियो रैंक कर पाएगा, क्योंकि थंबनेल अट्रैक्टिव और बहुत सिंपल और अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोग देखते मात्र से ही क्लिक कर दे। ऐसा थंबनेल बनाओ कि लोग देखते मात्र से हुए ऐसे क्लिक मार ऐसे। तो दोस्तों अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो आपको आपके लिए तो बहुत खास है, क्योंकि आपका वीडियो तभी रैंक कर पाएगा, आपका सब्सक्राइबर कम होगा, व्यू कम आते होंगे, तो थंबनेल ही पर आपका वीडियो चलेगा। तो कैसे थंबनेल बनाते हैं तो इसके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, और वो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो बेल आता है उसके दबा दें जोर से। बाय। हेलो दोस्तों, तो आज हम थंबनेल बनाना सीखते हैं। इससे पहले थंबनेल बनाने में यह कम जरूरी है एकदम कि आपका थंबनेल एकदम HD होना चाहिए। कितना भी जूम करिए तो आपका थंबनेल फटना नहीं चाहिए। तो वो कैसे बनेगा तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वो आप डाउनलोड करिए या प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप सर्च करिए फिक्सर लैब, और उसके बाद डाउनलोड कीजिए। तो हम फिक्सर लैब ओपन करते हैं, ये हमारा रहा फिक्सर लैब। ओपन करने के बाद यहाँ देखिए हमने बनाया है ऐसा, सेम आपके सामने बनाऊँगा, ऐसा सेम बनाऊँगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, सब कुछ को आपके सामने बनाना है ना। देखिए दोस्तों ऐसा एप्लीकेशन खुलने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इसके बाद ये डिलीट तो ना इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देखिए ये लोग आएंगे आप। इसके बाद यहाँ देखिए बैकग्राउंड के लिए कलर चाहिए आपको, इस प्रकार का कलर चाहिए। ये देखिए आधा आधा रहेगा, आधा थोड़ा हल्का, इस प्रकार का कलर चाहिए आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। आपका कलर चाहिए एक जैसा तो कलर यहाँ से मिल जाएगा आपको। सबसे पहले आप ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करिएगा, और यहाँ इमेज साइज, इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ कस्टम पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए। ये देखिए वीडियो थंबनेल आकार आ गया, तो इसी कलर का लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करिए, ये एडिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ टाइप करते हैं कि थंबनेल कैसे बनाए, थंबनेल अब हिंदी में कैसे बनाए। ये दोस्तों इसके बाद इसे ये देखिए साइज है, साइज को थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि बड़ा दिख सके। इसके बाद ये यहाँ बैकग्राउंड का होगा, ये देखिए दोस्तों बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ इनेबल करेंगे, इनेबल करके पीछे रेड ले लें। उसके बाद ये देखिए दोस्तों ये इस साइज बढ़ता है ऐसे, ये फुल कर दें, ये भी फुल कर देते हैं दोस्तों, फुल हो गया। इसके बाद ये देखिए पूरा फुल हो गया, ये नीचा वो या ऊपर है बढ़ाने के ऊपर, ऐसे ही ये नीचा है बढ़ाने का, तो हम इतना पर रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारा काम एक हो गया। इसके बाद हम और टेक्स्ट जोड़ेंगे, टेक्स्ट जोड़ने के लिए आप यहाँ इस प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से टेक्स्ट लीजिए। इसके बाद ये एडिट एडिट पे क्लिक करके यहाँ देखिए देखिए यहाँ तो ऐसे बनता है। दोस्तों यहाँ लिखेंगे तो ऐसे बनाए थंबनेल। इसके बाद इस पर ओके क्लिक कर देंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, साइज बड़ा करेंगे, देखिए दोस्तों साइज बड़ा हो गया। उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर यहाँ से चेंज करिए जैसा आपको रखना है, ऐसा रखिए कि कलर थोड़ा अच्छा लगे दोस्तों। येलो ठीक रहेगा, वाइट ही ठीक है, वाइट ही रहने देते हैं। इसके बाद ये देखिए दोस्तों 3D टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लिक करिए, ये देखिए 3D बना दिया। इसके बाद इससे आप 3D स्क्रीन को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों बोल्ड
3D को बोल्ड कर सकते हो, फीका कर सकते हो। देखिए दोस्तों, 3D को ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसा करना चाहे आप वैसा कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, तो हम सीधे रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसा ही रखना है। ये देखिए लाइटिंग का है, लाइटिंग कम ज़्यादा करिए, ठीक हो। उसके बाद दोस्तों एम्बॉस बॉस के है, देख लीजिए अक्षर को पतला कर देगा, डिजाइन बना देगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। स्टोर देखिए, स्टोर में भी सब बोल्ड बनाता है, ये अच्छा है, ऐसा बोल्ड बनाया जाता है। इसमें आप दूसरे कलर का सिलेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्यों बोला दोस्तों, ऐसे कलर स्टोर में आप कलर सिलेक्ट कर इसे देखिए बोल्ड कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, ऐसे रखते हैं। उसके बाद ये हम इमेज जोड़ने रहे थे, इस पर क्लिक करके और फ्रॉम गैलरी है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये बैकग्राउंड के लिए ले सकते हैं आप। या ये प्लस प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद यहाँ से आप कटिंग करिएगा पहले, या हम कटिंग करके रखे हुए हैं पहले से ही, तो वो सीधा हम डाल देंगे यहाँ पे। ये हमारा रहा देखिए दोस्तों, दोस्तों हम ये कटिंग करके यहाँ रखेंगे। देखिए मेरा आप जितना साइज लेना है उतना सेलेक्ट कीजिए, और ये देखिए दोस्तों इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए ऐसे रखिए, ऐसे रखने के बाद इसमें आप बहुत प्रकार के इफेक्ट जोड़ सकते हो। जैसे जैसे ये देखिए, आप अगर का फोटो अगर कटिंग नहीं है तो यहाँ आप इजर कलर इजर पर क्लिक करके आप यहाँ कर सकते हो, मेरा कटिंग है इसलिए हम नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद इस पर देखिए, इसको फोटो को ठीक ठाक करने के लिए कई प्रकार के हैं, हाँ ऐसे ठीक है। और देखिए स्टोर, स्टोर से क्या होता है, इस प्रकार का लाइन आ जाता है, कई यूट्यूबर की वीडियो में इस बार फेमस भी था ये, तो इसको आप थोड़ा ज़्यादा करिए, अच्छा लगता है देखने में। हो गया, हमारा थंबनेल तैयार है। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करिए, ये ठीक है, कस्टम पर क्लिक कर लीजिए, एकदम एच डी है, सेव टू गैलरी कर लीजिए, सेव टू गैलरी हो गया। और गैलरी में देखते हैं कैसा बना है थंबनेल, ये देखिए इसमें कई प्रकार के इफेक्ट हैं, जैसे ये बनाए थे पहले सामने बनाया ऐसा, इससे पहले मैंने ये बनाए थे, इसमें आप जितना जोड़ना होगा आप जोड़ सकते हो। जैसे यूट्यूब का लोगो जोड़ना था तो हमने नहीं जोड़ा है, यहाँ सब जोड़ सकते हैं, प्लस पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कीजिए, यूट्यूब इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। और ये देखिए हम यूट्यूब पर का ले लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ले लिए। उसके बाद यहाँ इसको फिट कर देंगे, ये फिट हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आप जितने चाहे उतना कर सकते, इसको भी 3D बना देंगे तो वो बन जाएगा। देखिए दोस्तों पे क्लिक करिए, इनेबल, बन गया 3D। तो आप ऐसे बना सकते हो थंबनेल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को